हेलो माय डियर गिटार बिगिनर फ्रेंड्स, मैं हूं विजेंद्र धनकर, आपका गिटार टीचर। मेरे चैनल पर आपका सुंदर में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि गिटार कैसे पकड़े, हाउ टू होल्ड द गिटार। उससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया बेसिक ऑफ गिटार, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ गिटार। अगर आप ये दोनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू होल्ड द प्लेक्ट्रम, पिक को कैसे पकड़े। इसे पिक भी बोलते हैं शॉर्ट में, और प्लेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, पिक भी बोल सकते हैं और प्लेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू होल्ड द प्लेक्ट्रम प्रॉपरली, प्लेक्ट्रम पकड़ने का बिल्कुल सही तरीका, और साथ ही बताऊंगा आपको कि अपने गिटार के फिंगर प्लेटफॉर्म पे हाथ को कैसे रखें ताकि हमारा हाथ अच्छे से मूवमेंट हो। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक हाउ टू होल्ड प्लेक्ट्रम, प्लेक्ट्रम कैसे पकड़े, प्लेक्ट्रम पकड़ने का सबसे सही तरीका, स्टार्ट करते हैं। ये जो थिंग दिख रही है ये पिंक कलर की, इसे ही हम प्लेक्ट्रम कहते हैं। ये प्लास्टिक, नायलॉन और फाइबर की बनी होती है। जनरली लोग बहुत तरीके से प्लेक्ट्रम पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे, या फिर पूरे पंजे से तक के प्लेक्ट्रम पकड़ लेते हैं। तो उनका तरीका स्टाइल है, फिर भी उन लोग बहुत अच्छा हो जाते हैं। हम एक बिगिनर्स हैं तो हमको प्रॉपरली तरीके से सीखना है कि हाउ टू होल्ड प्लेक्ट्रम, कैसे पकड़ें। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीका प्लेक्ट्रम पकड़ने का। सबसे पहले आप जानिए इस साइन के बारे में, इसे क्या कहते हैं। ये स्मार्ट का साइन है, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, आप कूल दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, इस टाइप का साइन होता है। आपको सबसे पहले ये साइन बनाना है, आपकी थंब और फिंगर की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए यहाँ पे, देखिए, ठीक है। उसके बाद तीनों फिंगर को स्ट्रेट कर लीजिए और ये आपका जो ये साइन बन गया ऐसा, देखिए ऐसा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक बार में नहीं बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से प्लेक्ट्रम के पॉइंट को पकड़िए, कोई भी एक पॉइंट को, और जो ये आड़े जो ये वाला हिस्सा है ऐसा, उसको इस थंब और उंगली के बीच में फंसा दीजिए और देखिए कि प्लेक्ट्रम पकड़ने का तरीका बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल सही तरीका और सुंदर तरीका होना चाहिए, ऐसा पकड़ा जाता है प्लेक्ट्रम, ठीक है। आपको फिर से बताता हूँ, सबसे पहले आप स्मार्ट का साइन बनाइए, ठीक है, फिर फिंगर को ऐसा कीजिए और ये देखो ये ऐसा कर दीजिए और प्लेक्ट्रम लेफ्ट हैंड से पकड़ के पॉइंट को फिर यहाँ पे ऐसा फंसा दीजिए। ध्यान रहे कि आपका ये वाला फिंगर का टिप और पॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप पैदा किया, उसी से हम स्ट्रिंग को स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस फिंगर को नॉर्मल छोड़ दीजिए। तो ये तो था हमारा प्लेक्ट्रम पकड़ने का तरीका। तो अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगला टॉपिक फिंगर प्लेटफॉर्म पे फिंगर कैसे रखें, या फिर ये प्लेक्ट्रम पकड़े जो हम लोग जो अभी सीखे हैं कि हाउ टू होल्ड प्लेक्ट्रम। तो हम तो प्लेक्ट्रम तो पकड़ लिए लेकिन गिटार पे हाथ को कैसे रखेंगे, तो उसका तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले आप इसे एक स्नेक टाइप से बनाइए, देखिए ये प्लेक्ट्रम हम पकड़ लिए ऐसा, ये देखो अब ये जो तरीका बन गया अच्छे से। अब उसके बाद इसको धीरे से ऐसा कर दीजिए नॉर्मल। अब ये जो तीनों फिंगर हैं ये, तो ये नाखून और मान लो कई लोग के नेल्स लंबे होते हैं, बट यहाँ से जो ये जो फिंगर का हिस्सा है ये हिस्सा, इसी हिस्से को आप तीनों हिस्से को फिंगर प्लेटफॉर्म पे रखिए। देखिए ये आपका स्नेक, ये प्लेटफॉर्म आपने पकड़ लिया और स्नेक को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है, और आपको हाथ बहुत ईजी रखना है, बहुत ज़्यादा ईजी। अगर आप टाइट प्लेटफॉर्म का दबा के रखेंगे तो उससे मतलब नहीं है, आपका जो रिस्ट है वो टाइट हो जाएगा, इसलिए आपको इजी रखना है। अगर हम कलम को जोर से पकड़ के लिखेंगे तो पेपर फट सकता है, जस्ट लाइक वही है कि हमारा साउंड का साउंड ऑफ प्रोड्यूस होना खराब हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको नॉर्मल वेट पे रखेंगे, मूवमेंट वेट पे रखेंगे। जैसे अब देखिए सबसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे अब ये फर्स्ट मैंने प्ले किया तो यहाँ पे रिस्ट मूवमेंट देखिएगा कैसा मूवमेंट होता है, 1 2 3 4, ओके, देखिए 1 2 3
फोर, मतलब सब में फोर फोर टाइम बैठा जाता, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू। आप देखिए यहाँ पे जो मेरा रिस्ट है वो मूवमेंट हो रहा है ना। और देखिए अब यहाँ पे आपका फिंगर प्लेटफॉर्म, जो फिंगर्स है इसमें थोड़ी गैप आ गई, जिससे ताकि जब हम ऊपर सिक्स स्ट्रिंग की ओर आ रहे हैं तो गैप आ रहा है, तो नीचे वैसे में जाते हुए जाएंगे। तो ये जो ये अब यहाँ पे था, जब हमारा हाथ यहाँ पे था तो कह सकते हैं यहाँ पे आ गया ना, कि यहीं पे जाना है और ऐसा हम बजा रहे हैं, है ना। ये गलत तरीका है, यहीं पे फिंगर को चिपका के रखो और ऐसा बजाओ, ऐसा नहीं। आप इसको मोमेंट ऊपर लाइए, ऐसा बजाते बजाते देखिए ऊपर आते गए, धीरे धीरे यहाँ पे गैप बढ़ता गया। तो ये प्लेटफॉर्म पकड़ने का सही तरीका है, और फिंगर हाथ रखने का सही तरीका प्लेटफॉर्म पे, फिंगर प्लेटफॉर्म पे हाथ कैसे रखें, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गिटार पकड़ना आना चाहिए कि हाउ टू होल्ड द गिटार प्रॉपरली। अगर आपने मेरी ये गिटार पकड़ने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक दी है, फर्स्ट में आपको बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा हाउ टू होल्ड द प्लेटफॉर्म एंड फिंगर प्लेटफॉर्म पे हाथ कैसे रखें कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको सिखाया हाउ टू होल्ड द प्लेटफॉर्म और फिंगर प्लेटफॉर्म पे फिंगर कैसे रखें हाथ कैसे रखें उसे प्रॉपर तरीके से बार बार देखिए और अच्छे से सीखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आसान तरीके से गिटार सीखने के लिए मेरे चैनल पर इंस्ट्रूमेंटल में बने रहिए। मैं अगला लेसन नंबर 4 इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर इंस्ट्रूमेंटल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने सुझाव मुझे बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो लेसन नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।